तो चलो, पिछले कल हमने 7.3 का कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था, आज हम कुछ क्वेश्चन और लेंगे 7.3 से। हमने किसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, मतलब जब हमने इंटीग्रेट किया है कुछ क्वेश्चन को, उनको हमें इंटीग्रेट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज़ है उनका यूज़ करना पड़ा है। ठीक है, तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन। कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। ठीक है, तो हाँ जी, कैसे करें कुछ सोचो। कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, न्यूमिनेटर में टर्म है, फर्क है 2 का। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट मुझे मिल जाए, अगर इसे मैं पुट करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो क्या मुझे पर मिलता है? नहीं मिलता। तो ये डिनोमिनेटर जो है, इसे हमने सॉल्व करना है, मतलब ये यहाँ से हटना चाहिए। तो क्या फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है? देखो, हमारे पास कॉस टू एक्स फार्मूला है 1 माइनस 2 sin² x और 2 cos² x - 1। मैं इसे अप्लाई करूँगा यहाँ पे। तो अब यह देखो, मेरे पास क्या है? कॉस टू एक्स है, तो मैं कॉस टू एक्स ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ या ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, वो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। अब आपको क्या लगता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए कि ये वाला होना चाहिए? हाँ जी, सेकेंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें साइन आ रहा है, तो यहाँ पे साइन नीचे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कॉस टू एक्स क्या बन जाएगा? 2 cos² x - 1, आगे माइनस ब्रैकेट कॉस टू अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है? वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? हाँ जी, कांस्टेंट है, क्योंकि तो वेरिएबल तो आपके पास एक्स है। तो एक्स को छोड़कर जो भी यहाँ पे आपको मिलेगा, कोई अगर टर्म मिलती है, वो कांस्टेंट है। तो ये बन गया 1 2 cos² α - 1 डिवाइडेड बाई एज इट इज। ओके, आप सॉल्व करके देखें, जब आप इसे ओपन करेंगे ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस जो है कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, 2 मैंने बाहर ले लिया, मेरे पास आ गया कॉस टू कॉस स्क्वेयर एक्स, 2 नहीं, अब माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। आप बताएं आगे इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसे सॉल्व करके इसे कैंसिल किया जा सकता है? कौन सा फॉर्मूला? यस सर, वेरी गुड। ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो हो सकता है। क्या बन गया? कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फा ब्रैकेट कॉज एक्स प्लस कॉज अल्फा और अपॉन में बेटा कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फा डी एक्स, और ये कैंसिल।
आपके पास क्या बच जा रहा है, कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फा डी एक्स, सॉरी प्लस का आएगा और बाहर टू भी आएगा। फर्दर क्या मैं इसे अलग अलग कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा, टू कॉज एक्स डी एक्स आगे प्लस टू, ये समझ आया, क्योंकि कॉज अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, वो आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो क्या आंसर बना मेरे पास, हाँ जी, टू साइन एक्स प्लस टू कॉज अल्फा और एक्स में आगे लिख देता हूँ और प्लस, तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वेयर एक्स, हाँ जी क्या स्टेप ली जा सकता है, कॉस स्क्वेयर एक्स को हमने यहां से हटाना है। एक चीज यहां पे आप ध्यान दें, अगर आइडिया हमें यहीं से मिल जाता है, इसका एंगल क्या बेटा, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल क्या है, एक्स की 2x है, 2x है, तो 2x को यहाँ पे सॉल्व करके हमें x तो लाना पड़ेगा तभी ये कैंसिल होगा। अब cos 2x का कौन सा फार्मूला अप्लाई करें इन दोनों में से, फर्स्ट वाला, वेरी गुड, हम यहाँ पे फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स आगे प्लस 2 स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, तो मेरे ख्याल से तो सॉल्व हो गया, क्या बन गया, और ये किसके इक्वल होता है, sec स्क्वेयर एक्स, sec स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, जब हमने शुरू में देखा तो हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब आपने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की, अब आपको आइडेंटिटी यूज़ करने आनी चाहिए, तो आइडेंटिटी यूज़ तो तभी कर पाओगे जब आपको उनके बारे में सारे आपने लर्न कर रखा है, तो मेनली आपका काम है लर्न करने का, ठीक है, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि हमने कौन सा, या बाकी प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लें, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, हाँ जी, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, हाँ जी सोचे जी, अब तो न्यूमरेटर में कोई टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर में है, तो कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको मिलता हो, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, है साइन एक्स पुट करते हो कोस है, लेकिन कोस क्यूब है, कोस एक्स पुट करते हो तो साइन डेरिवेटिव है, लेकिन वो हमें डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में चाहिए, यहाँ डेरिवेटिव भी जो आएगा वो भी कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है, तो फिर तो कुछ इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसे टैन बना सकता हूं, साइन को, साइन को कॉस से डिवाइड कर दें क्या बन जाता है, बन जाता है, मैं क्या कर रहा हूं, इस साइन को कॉस एक्स से डिवाइड कर रहा हूं, और अब जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे यहां मल्टीप्लाई भी करना है, इस स्टेप में कोई दिक्कत है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, और क्या मैं यहां पे
क्योंकि नीचे क्या बन गया, कोज स्क्वायर फोर, कोज के नहीं कोज फोर पावर एक्स, कोज मतलब कोज की पावर कितनी की फोर, तो वन बाई कोज क्या होता है सीकंड, तो सीकंड फोर आ गया ऊपर। अब टेन का डेरिवेटिव आपको मिल सकता है ऊपर, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकंड है, लेकिन टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकंड स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा सीकंड स्क्वायर एक्स, पर आपके पास क्या है तो क्या मैं इसे अलग अलग करके लिख सकता हूँ, सीकंड स्क्वायर एक्स, सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स। अब इससे भी मैं किसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, हाँ जी किसमें कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे तो सारा चेंज करना है ना, मुझे तो नया वेरिएबल बनाना है। अब देखो ये जो सीकंड स्क्वायर है क्या वो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, नीचे टेन आ गया, ये सीकंड स्क्वायर डी एक्स अलग से आ गया। अगर आप टेन को टी पुट करते हैं तो क्या उसका डेरिवेटिव है, तो ये जो पूरा फंक्शन है नए वेरिएबल में चला जाएगा टी में। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ लेट टी इज इक्वल टू टेन एक्स, डी टी किसके इक्वल आ गया बेटा। अब यहाँ देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, वन प्लस टी स्क्वेयर अपॉन आर, यहाँ पे देखो सीकंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स किसके इक्वल। अब ये सिंपल क्वेश्चन बना कि नहीं, अब इसे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे कैसे अब सॉल्व कर सकते हैं, ओपन कर दो, ओपन कर दो, ऐसे क्या बन गया वन अपॉन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, तो टी कैंसिल, तो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया वन अपॉन टी डी टी प्लस टी डी टी। क्या इंटीग्रेशन आई, लॉग मॉड टी प्लस टी स्क्वेयर अपॉन टू प्लस सी, और आप अलग फिर से इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपने टी क्या पुट किया प्लस टी स्क्वेयर दैट इज टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू प्लस, तो बताएं कोई डाउट है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन क्या किया हमने, हमारे पास क्वेश्चन था साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और इसका हमारे सबसे पहले हमारे दिमाग में होता है कि कोई फंक्शन आप पुट करें उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाए तो आप सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब अगर हमारे पास फार्मूले हमारे दिमाग में घूम रहे हैं तो हम कह सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, हाँ जी टेन एक्स बना सकते हैं इसका, क्योंकि नीचे साइन है तो यहाँ पे कॉस क्यूब है, कॉस के फोर बन सकता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया टेन वन अपॉन कोज की पावर फोर हो गया, तो वन अपॉन कोज होता गया सीकंड पावर जो उसमें लिख दी। अब क्योंकि अब हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि एक पूरे फंक्शन को हम एक वेरिएबल में पुट कर दें, मतलब किसी एक नए फंक्शन में ले जाएं और उसका डेरिवेटिव हमें मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सीकंड स्क्वायर एक्स तो हमारा जो है वो टेन एक्स का डेरिवेटिव है, अब बाकी सब में किसमें कन्वर्ट कर दो टेन में। तो मैंने क्या किया कि ये जो सीकंड स्क्वायर ये था इसे भी मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया टेन में। अब मेरे सारा क्वेश्चन किसमें आ गया टेन में, यहाँ पे हमने टेन को टी पुट कर लिया और ये मेरा क्वेश्चन जो है नए वेरिएबल में आ गया टी में, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बना। ठीक है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, पावर होती इसको ओपन कर लेते तब भी टी डिवाइड होना था, इस सबको अलग अलग करके हम वैसे ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, समझ आ गया जहाँ तक, ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन कुछ टिपिकल टाइप के होते हैं, यहाँ पे कोई फार्मूला सामने देखने पे तो नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आप
फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में आपके दिमाग में अगर चीज़ें घूम रही हैं तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए कोज एक्स माइनस ए इंटू कोज एक्स माइनस बी है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पहला काम क्या है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है वो किसी तरीके से सॉल्व हो जाए, वो न्यूमिनेटर में चली जाए, यहाँ उसका डेरिवेटिव बन जाए, पुट करने पर उसका हमें डेरिवेटिव मिल जाए, तो अब हम उसको सिंप्लीफाई करके किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट उसके साथ कंपेयर कर ले। लेकिन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे ना ही ऊपर कुछ है, तो अगर नहीं है तो इसे ख़त्म कर लिए, सेम टर्म हमें ऊपर चाहिए तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ तो ये किसी के साथ कैंसिल होगी, कैंसिल तभी होगी अगर ये टर्म्स ऊपर आपको मिले, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थोड़े हैं, टफ है, मैं नहीं कहता कि ये आसान है, तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे ये मैं एक टर्म अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। अब आप पूछेंगे कि आपको कहाँ से आइडिया आ गया, और देखो ये प्रैक्टिस से है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको भी आइडिया आ जाएगा कि हम ये साइन ए माइनस बी एक कांस्टेंट टर्म है, क्या ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, तो मैंने साइन ऑफ ए माइनस बी एक टर्म की एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे 1 2 3 4 5 1/7 इस टाइप की ये टर्म है और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मकसद क्या है, ये एंगल बनाने, एक्स माइनस ए बन जाए एक्स माइनस। अब देखो मैं बना रहा हूँ वहाँ पे, कैसे बना रहा हूँ, देखो साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म में ये बाहर है, ऊपर देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये चेक करें, सॉल्व कर लें, ब्रैकेट खोलो, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये x माइनस बी ये माइनस एक्स हो जाएगा, x से x कैंसिल बेटा, और a माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो a माइनस बी बनेगा, तो आपके पास यहाँ पे a माइनस बी ही है। अब ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या होगा, अब ध्यान दो यहाँ पे नीचे क्या है कोज, एंगल क्या है, ये देखो x माइनस ए का एंगल बन रहा है, दूसरा क्या है तो x माइनस बी बन रहा है, तो मुझे यहाँ से ये एंगल बराबर बन के अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला किसका, साइन कोई लिखाएगा, साइन a माइनस बी का फार्मूला, एक्सपेंशन क्या होगी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो हम ये यहाँ पे लगा लेंगे, मेरे पास ए क्या है, ए बी क्या है, ठीक है, तो लगाएं फार्मूला, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, हाँ जी साइन एक्स माइनस बी इंटू कोज एक्स माइनस ए माइनस कोज एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, और यहाँ पे डी एक्स, वेरिएबल मैंने कोई चेंज नहीं किया, और नीचे आ गया कोज एक्स माइनस ए कोज एक्स माइनस बी, इसमें यहाँ पे भी आप लिख लेना, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, और साइन आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया। अगर मैं अब मैं थोड़ा सा दो स्टेप इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को इस टर्म के नीचे ये टर्म आ जाएगी और ये टर्म इसके नीचे भी आ जाएगी, जब मैं इसके नीचे लिखूँगा तो यहाँ पे कोज एक्स माइनस ए कैंसल, बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस बी कोज एक्स माइनस बी,
तो एंगल सेम, साइन बटा कोज क्या होता है, क्या होता है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टैन एक्स माइनस बी और डी एक्स, ठीक है। यहां पे मैं एक और ब्रैकेट लगाता हूं, आगे क्या बेटा इंटीग्रेशन अलग से करते हैं। अब ये टर्म इसके नीचे लिख रहा हूं, तो कोज एक्स माइनस बी कैंसल, साइन एक्स माइनस ए कोज एक्स माइनस ए क्या बन गया, एक्स माइनस ए डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन अब आपके पास बिल्कुल सिंपल बन गया, बना कि नहीं सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये ब्रैकेट ना अंदर लगानी चाहिए थी, मैंने बाहर लगा दी, कोई चक्कर नहीं, तब भी दोनों के साथ आना, ठीक है। अब इसे हटाते हैं, अब जी इसका इंटीग्रेशन शायद आपको आता है, टैन एक्स का इंटीग्रेशन करवाया मैंने, क्या था, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स मॉड, है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये देखिए माइनस लॉग मॉड कॉज एक्स भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये देखो टैन एक्स का इंटीग्रेशन मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग मॉड कॉज एक्स, यहाँ लिख सकता हूँ प्लस लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, माइनस लगाएंगे तो लॉग कॉज एक्स आ जाएगा, माइनस नहीं लगाएगा तो लॉग ऑफ सीकेंट एक्स आएगा, मैंने ये यूज़ किया। अब ये जो एक्स माइनस बी है, एक्स नहीं है, एक्स माइनस बी है, तो एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, तो इसके नीचे वन लिख के लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया माइनस लॉग कोज एक्स, और टेन एक्स माइनस बी का भी वही आएगा। हाँ यहाँ पे कुछ एक्स का कुछ मल्टीप्लाई होता है, जैसे टू होता है, तो अपॉन में क्या आना था, क्योंकि इस एंगल का भी डेरिवेटिव आपको अपॉन में, या फिर इसको फर्दर आप नए वेरिएबल में ले जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या है, माइनस इसका क्या आएगा, अगेन माइनस, प्लस कर दूं, लॉग मॉड कॉज एक्स माइनस ए, तो ये आपका आंसर, दिस इज योर। आप इसे और थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कोई बताएगा, हाँ जी, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन, यहाँ पे सी आना था ना, चलिए तो दिस इज लॉग एम पॉजिटिव माइनस लॉग, तो क्या बन गया, लॉग मॉड कॉस ठीक है। तो ये देखो हमारे क्वेश्चन कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपने काम क्या करना है, दिमाग में जितनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं वो आपको याद होनी चाहिए, और आपने स्टेप कैसे फॉलो करना है। तो 7.1 से लेकर 7.3 तक थोड़ी चेंजेस आ गई है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चेंजेस आती जाएगी, ठीक है। तो कल हम करेंगे 7.4 एक्सरसाइज।